आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने इसे सुबह भी जल्दी नहीं उठाया, मैंने सोचा चलो सोने देते हैं इसको, बट अभी इनके लिए तो मैं सेट करना है सी होटल। सी होटल क्या दिख रहा है अभी मुझे? चारों तरफ जंगल दिख रहा है। तो गेस्ट फॉरेस्ट, तो जगह का नाम गेस करो आप। तो तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हो? बस मैं तुम्हें वो करूंगी, पैकिंग करवा ली तुमने कहीं तो बढ़िया सी जगह की बुकिंग की होगी पक्का। ये देखो ये सब पैक करा दिया है मैंने सारी चीजें, अब हम लोग जा रहे हैं। कुछ कुछ 2 घंटे की ड्राइव है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है और वहाँ पहुँच जाएंगे। और अभी लकीली बारिश यहाँ पर नहीं हो रही, आई होप वहाँ पर भी नहीं हो रही होगी। तो चलो चलते हैं और वहीं गाइज़। हमारे ट्रिप्स ऐसे होते हैं, आल्डी है यहाँ पर, तो अभी हम लोग पहले ही रुकेंगे जाने से पहले, तो ट्रिप स्टार्ट हो गया सबसे पहले तो हम सबसे पहले आल्डी में रुक रहे हैं और वहाँ से हमें पानी की बॉटल्स खरीदनी है। जो भी नॉर्मल सामान है वो हम यहीं से ले लेंगे। हाँ, तो एटलीस्ट बाहर जाके हमें फालतू स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और हमें पता भी नहीं होगा बाहर की कहाँ मिलेगा क्या नहीं, पार्किंग मिलेगी या नहीं। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ हमें पता है कि हमें लेनी है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो वी रीच्ड हियर आल्डी और सबसे पहले हम यहाँ से सामान लेंगे। अब मैं दीपक को जगह बता रही हूँ जहाँ पर ये सेट करेगा, तो आई डोंट नो दीपक, बट अभी के लिए तो मैं सेट करना है सी होटल। जे होटल, हाँ जे होटल। ह्यूबर्टस, ह्यूबर्टस मुझे नहीं पता ही है और ये देखना भी नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ जल्दी से उसमें बस वो सर्च करो, वहाँ पहुँचना है अपन को। मैंने यही सोचा था कि कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और आज निकल जाएंगे, और जब मैंने बुक किया था सब कुछ तब धूप दिख रही थी आज के दिन, पर नहीं है धूप और वहाँ पर भी नहीं है, वो भी मैंने चेक कर लिया। हाँ यही 163 किलोमीटर्स है गाइस, तो अप्रॉक्सीमेटली दो। अरे यार इसे जगह तो दिखी गई मैप में, पर ये जगह कभी मैंने देखी नहीं है। हाँ तो तुमने नहीं देखी होगी क्योंकि दिस टाइम आई हैव प्लान्ड फॉर यू एंड इट्स योर बर्थडे। ओके, मैं ऐसी ही जगह लेके जा रही हूँ आपको जो आपने नहीं देखी, और ऐसा ना हो हम दोनों को सरप्राइज मिल जाए। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने इसे सुबह भी जल्दी नहीं उठाया, मैंने सोचा चलो सोने देते हैं इसको और ताकि इसको कुछ शक ना हो, तो सुबह भी जल्दी नहीं उठाया, जितनी टाइम पे ये उठा था उतने टाइम पे ही उठाया। फिर मैं बोला दीपक हमें कहीं निकलना है, मैंने कुछ बुकिंग करी है, एंड ही इज़ लाइक क्या क्या, मैंने बोला हाँ चलो। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करी एंड देन अब हम निकल रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ यूरोप इज़ दैट ओनली कि हम लोग ने जो भी जगह नहीं देखी है वो देख सकते हैं आसपास जाके, और 12 बजे भी निकले, लाइक इट्स 12:30 हो रहा है, 12:30 पे भी निकलें तो इट्स ओके कि हम लोग जो चेक इन टाइम है उससे पहले निकल जाएंगे। पर मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको वो जगह दिखाने का, और जो भी मैंने गूगल में जो भी पिक्चर्स देखी हैं वो वैसी निकले तो बेटर है। तुमने कभी नाम सुना है इधर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जगह। We'll be right back.
आ गए हैं। तो यहाँ पर ना कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एसलिंगन और स्टुटगार्ट में। तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे होंगे उन्हें पता होगा, है ना दीपक, बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गए। तो यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, देखो क्या होता है, बिकॉज सेकेंड वेव जो है वो यहाँ पर आ गई है और इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ तो नहीं उतरने वाले, हम वहीं उतरेंगे जहाँ एक भी केस नहीं है। अभी हम लोग स्टुटगार्ट सिटी में हैं और यहाँ लोगों ने मास्क जो है वो बाहर भी लगा रखे हैं। यहाँ पर बाहर जो है वो आप विदाउट मास्क घूम सकते हो, बट बिकॉज यहाँ केसेस ज़्यादा हैं तो लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं बाहर भी। इंटेलिजेंट लॉजिक तो है। अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं जगह जगह मर्सिडीज बैंक के ऑफिस हैं। तो तुम्हें पता है स्टोरी क्या, मर्सिडीज नाम कैसे रखा और कैसे स्टार्ट? बंदे की बेटी का नाम था मर्सिडीज। ओह माय गॉड, इतना मतलब कॉमन नाम रख दिया कि जैसे अपने आपने किसी बेटी का नाम हो। हाँ। क्या बोलूंगा, सुमित्रा। सुमित्रा और उसका सरनाम साहू है। सुमित्रा साहू के नाम से फॉर एग्जांपल दे रहा है, कोई हो तो फिर माइंड मत करना। तो ऐसे रख दिया उसने मर्सिडीज बेंज। सही है यार। और आज कितना बड़ा नाम है मर्सिडीज बेंज, दी मर्सिडीज बेंज है। बेंज 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 हमारा एक दोस्त भी है बेन। बेंज तो यहाँ पे कॉमन सरनेम है, थॉमस बेंज और ये सब। मर्सिडीज नाम था उसका। और बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का है सर पूरा नाम बवेरियन मोटर वर्क्स। बवेरिया यहाँ की स्टेट है एक, जैसे हमारे यहाँ एमपी यूपी है वैसे यहाँ पे बवेरिया स्टेट है जो म्यूनिक जिसके अंदर है। तो बवेरिया मोटर वर्क्स करके नाम था बीएमडब्ल्यू का, जो बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम जो है उन्होंने गैराज से स्टार्ट किया था। कई लोग अभी भी मतलब उसका बीएमडब्ल्यू का लोगों को नाम नहीं पता, कई लोग ब्रिटिश मोटर वर्क समझते हैं, ब्रिटिश नहीं है बवेरिया है। बवेरिया जर्मन कंपनी है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज पोर्शे ऑडी वॉक्सवैगन सारी। तो जो म्यूनिक है वो बवेरिया में ही है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। इसलिए स्टुटगार्ट मर्सिडीज स्टुटगार्ट से शुरू हुई थी, स्टुटगार्ट विलेज था पहले। स्टुटगार्ट के अंदर सारे मर्सिडीज के इतने ऑफिस हैं पूरे में फैले पड़े हैं। सेम एज बवेरिया में बीएमडब्ल्यू के होंगे हैं, म्यूनिक में है बीएमडब्ल्यू का हेडक्वार्टर। तो दीपक और हम वही बात कर रहे थे कि ये कार लैंड ऑटो लैंड बोलते हैं, तो ये इससे बहुत सारी हिस्ट्री है जो ऑब्वियसली इसको पता है ये सारा, मुझे तो नहीं पता। पर बी एम डब्ल्यू ही सेइंग कि गराज से स्टार्ट किया था उन्होंने, एंड देन उनको बैन लग गया था, एंड देन उन्होंने चम्मच वम्मच बनाने चालू कर दिए थे, एंड देन फिर उन बैन जब हटा तो उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ियां बनाई। और आज सोचो बी एम डब्ल्यू मतलब कितना बड़ा नाम है, जो कि यहीं की एक हिस्ट्री है। तो मैंने हम लोगों ने सोचा आपको बता दिया जाए। जहाँ हम जा रहे पहले वहाँ पहुँच जाने दो। ये सुंदर सिटी है, बहुत प्यारी है, अच्छा है। रॉन्ग टर्न लेने का कभी कभी फायदा भी होता है। सही है, मेरे कान बंद होने लगे, हम शायद हाइट में है।
हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। दीपक क्या रिएक्शन है तुम्हारा, क्या दिख रहा है अभी? मुझे चारों तरफ जंगल दिख रहा है। तो गेस फॉरेस्ट, तो जगह का नाम गेस करो आप। ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर है क्या? हाँ वही कहीं है। तो गाइज आप लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट केक पेस्ट्री ये सब सुना ही होगा, उसका जो नाम है वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर बाडेन वॉटेनबर्ग में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसे बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ऑब्वियसली अभी बारिश हो रही है, पर अभी यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचने वाले हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। तो यस, जर्मनी में इसको क्या बोलते हैं? जर्मन तो दीपक Yes. Welcome to Sajjanpur. ये जगह है यार। ये हम लोग ऐसी जगह लेके आए, मतलब मैं दीपक को ऐसी जगह लेके आई हूँ जो ये खुद तो कभी नहीं सोचता जाने के लिए। ऐसी जगह तो कभी नहीं आते, तो एकदम जंगल के बीच में। हाँ, तो जो अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो जो होटल है वो एकदम लेक पे ही है, तो होपफुली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहेगा। लेकिन हमें जो ये देखो, मतलब आई डोंट नो, इट्स इन अनदर वर्ल्ड ऐसा लग रहा है। बहुत तो दूर दिख। दीपक ये है वो होटल, देख। कहाँ से ढूंढा ये तुमने? ढूंढ लिया बस। मैंने ये सब चीजें धूप में प्लान करी थी भाई साहब, लेकिन गजब है यार, गजब है। ये मजा आ गया। ये होटल है यहाँ। अमेजिंग, मज़ा आ गया। हमने आए, इतना अच्छा शानदार व्यू है। हम जकूजी में गए, हम सोना में गए, और अब टाइम है शाम के डिनर का, तो रेस्टोरेंट चलते हैं।